स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों के साथ मैं आज एक नुक्ता शेयर करूंगा कबूतरों को उड़ाने के लिए, जो कबूतरों को गर्मी में मई जून में उड़ाने के लिए यूज होता भाई। बहुत ही बेहतरीन नुक्ता अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा भाई मैं, ठीक है दोस्तों। भाई इससे पहले भी मैंने कई नुक्ते शेयर किए हैं, होप्स सभी भाइयों को पसंद आए होंगे भाई। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ भाई एक नुक्ता शेयर करूंगा जो बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होगा कबूतरों के लिए। आप मई जून में जो भाई कबूतर उड़ाते हैं, बाजी लगाते हैं, वो सभी भाई इस नुक्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। तो मैं आप सभी दोस्तों को इस नुक्ते के बारे में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। नुक्ता भाई बहुत ही अच्छा है, जो भाई जिनको पता है और जिन भाइयों को नहीं पता ना भाई, ये उन भाइयों के लिए है। और कुछ भाइयों को क्या पता अलग तरीके से लगाते हैं, कोई किसी तरीके से लगाता है, लेकिन मैं सभी भाइयों को वो बताऊंगा जो हम लोग उड़ाने में यूज करते हैं। और आप सभी भाइयों के लिए भी भाई वो नुक्ता बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा भाई। और बता देता हूँ दोस्तों, ये नुक्ता ना भाई आप है ना घर पे लगाओगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर पे लगाने वाला नुक्ता बताऊँगा मैं दोस्तों, ठीक है भाई। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एवल 25 आप कबूतर को कैसे लगाते हैं भाई। आप सभी को यही तो पता ही है, गर्मियों में बाजियाँ उड़ाते हैं और बाजियों में कबूतरों को भाई कोई भाई कुछ खिलाता है तो कोई भाई कुछ खिलाता है उड़ाने के लिए कबूतरों को। तो सभी भाइयों को ये पता भाई नशा वगैरह भी यूज करते हैं, ये तो बात जाहिर है भाई। और बता देता हूँ भाई एवल 25 में भी नशा ही होता है, लेकिन भाई है ना इसका ना सभी दोस्तों को लगाने का तरीका नहीं पता होता। तो मैं दोस्तों आप सभी को है ना वो तरीका शेयर करूँगा आज और बताऊँगा कि आपने लगाना कैसे है, ठीक है भाइयों। आप सभी दोस्तों को बताऊँगा कि आपने लगाना कैसे है उस तरीके को, और आपका कबूतर है ना भाई, आपके कबूतर को भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, उड़ के ना बहुत अच्छी उड़ान देगा। अगर आपका कबूतर 5-6 घंटे उड़ रहा है तो कबूतर भाई शाम तक उड़ेगा, ये गारंटी है भाई, ठीक है दोस्तों। और लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अपना लगाना कैसे है, और आपके कबूतर भाई बिल्कुल फ्रेश उतरेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये भी बता दूंगा दोस्तों मैं आपने अपने कबूतर को देना क्या है, जिसकी वजह से कबूतर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो भाई मैं आपको बताऊँ एवल 25। तो दोस्तों सबसे पहले है ना आपने 50 ml पानी लेना है, 50 ml पानी लेना दोस्तों। सबसे पहले आपने जो लेना वो लेना है 50 ml पानी, और भाई एक गोली लेनी है एवल 25 की, और आपने ना भाई वो एक गोली 50 ml पानी में भिगो लेनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से घोल बना लेना उसका गोली का, यानी पूरी तरह से मिक्स कर लेनी है वो गोली 50 ml पानी में। उसके बाद भाई आपने ना भाई देने का तरीका बताऊंगा मैं भी दोस्तों, ये बात भाई बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको यूज करना है, ठीक है भाइयों। क्योंकि भाई एवल 25 से आप सभी को पता ही है भाई कबूतर उड़ तो जाते हैं लेकिन मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको भाई देने का तरीका बिल्कुल सीधा बताऊँगा, और इससे भाई आपके कबूतर को बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो आपने दोस्तों 50 ml पानी लेना, और 50 ml पानी में ना भाई आपने 50 ml पानी में एक गोली भिगो लेनी है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से भिगो लेनी है। फिर आपने भाई उसमें से ना 5 ml पानी लेना है, ठीक है, जिसमें आपने गोली भिगोई है उसके अंदर से आप सभी ने जो भी भाई ये नुक्ता जमाना चाहिए जमा लेगा। 5 ml पानी लेना है, सीरिंज में भर लेना है, अच्छे तरीके से मिला कर भर लेना, ताकि सारा अच्छे तरीके से घोल मिल के 5 ml पानी निकालना उसके अंदर से, ठीक है। और फिर आपने भाई आटा लेना, आटा समझ रहे हो भाई, जो रोटी वगैरह बनाने में यूज होता है, थोड़ा सा आटा लेना आपने छोटी 1 चम्मच, ठीक है। और उस पानी से ना उस आटे को भाई भिगो लेना, अच्छे से भिगो लेना, ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे से भिगो कर, यानी करड़ा बना लेना, बिल्कुल करड़ा गूंद गूंद कर, और उसके ना गोल गोल छोटी छोटी गोली बना लेनी है, छोटी छोटी, जैसा चने का साइज होता ना, चने के साइज की गोली बनानी है आपने भाई। तो चने के साइज की गोली बना के आपने ऐसे ही रख लेनी है, वो सूख जाएगी, ठीक है। आपका कबूतर अगर आप घर पे उड़ा रहे हो या बाहर उड़ा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो इसको, बता देता हूँ मैं आपको। जो आप चने के बराबर आटा बनाओगे गोली, वो गोली आपने ऐसे ही रख लेनी, जब वो सूख जाए तो आप अपने कबूतर को वो बाजी वाले दिन उड़ाने, जिस टाइम आप अपने कबूतर की टाइमिंग ले रहे हो उड़ा रहे हो, तो आपको वो गोली आप अपने कबूतर को दे सकते हो दोस्तों। दूसरी बात भाई, आप चाहे अगर आपका कबूतर या भाई आपका कबूतर 12-1 बजे तक उड़ा हुआ है, तो आप है ना वो जो गोली बनाओगे ना चने के बराबर, उसको है ना तेल में थोड़ी सी तल लेना भाई, ताकि वो बिल्कुल पक कर कड़ी हो जाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो घुड़ेगी ना फिर वो 1 या 2 बजे के आसपास घुड़ेगी, क्योंकि उस टाइम कबूतर पर जोर रहेगा। अगर आपका कबूतर की टाइमिंग है 1-2 बजे तक, और आपको बता दूँ दोस्तों मैं, गोली आपने सिर्फ एक ही देनी है, ठीक है भाई, गोली आपने सिर्फ एक ही देनी है।
जो भाई स्त्री को के लगाएंगे ना भाई, अजमा कर देखेंगे भाई, मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप याद करोगे। बहुत ही शानदार नुक्ता है भाई। ठीक है दोस्तों, आप अपने कबूतर पे, अगर आपका कोई कबूतर कम उड़ रहा है, आप उस पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है भाइयों, जो भाई नए हैं, नए कबूतरबाजी कर रहे हैं, जिन भाइयों को पता नहीं है, तो सभी उन दोस्तों के लिए है ये, जो भाई नए कबूतर रख रहे हैं। ठीक है भाइयों, और बताऊं मैं आपको भाई, जब भी आपका कबूतर उड़का है ना भाई, आपने उस कबूतर उसके रखने में छोड़ देना, ये जानकारी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। अगर आपका कबूतर आप उड़ा रहे हैं, उड़काया, तो आप उसको उसके रखने में छोड़ दो 15-20 मिनट के लिए। जब उड़काया आपका कबूतर रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होने के बाद आपको है ना उसको थोड़ा सा पानी पिलाना है, कबूतर को कटोरी में डाल का है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी पिलाना है। ठीक है, जय कबूतर की चोंच नहीं डुबने देनी है अपना कबूतर की, बस इतना सा ही पानी पिलाना। उसके बाद दोस्तों आप है ना, कबूतर का गुड़ होता है एक, या फिर आप कोई पुराना गुड़ रख सकते हो अपने पास, तो आप वो कबूतर का पुराना गुड़ दे छोटा सा चने के बराबर। ठीक है दोस्तों, उसके 1 या 2 घंटे बाद आप कबूतर को दोबारा पानी दे थोड़ा बहुत, यानी जब आपका कबूतर बाजी से उड़ के आए। ठीक है दोस्तों, ये भाई इससे रिलेटेड जानकारी है दोस्तों, जो भाई कबूतर को एवल 25 लगाना चाहते हैं अपने कबूतर को, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा भाई है, आपका कबूतर बहुत ही बेहतरीन उड़ान देगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप है ना ये अपने कम उड़ान वाले कबूतर को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं भाई, जिन भाइयों को नए बिगनर है भाई, वो उड़ा कर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भाई जो भाई वीडियो पर पहली बार आते हैं ना भाई, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल के सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो भाई आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें भाई।